गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई हुई है जो डिप्लोमा स्तर के माइनिंग डिपार्टमेंट से जो प्राप्त किए होंगे डिग्री या डिप्लोमा, दोनों भर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है आउट की गई है JSSC के तरफ से, ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की योजना, योजना नहीं आयोग ही सही रहेगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी निकली हुई थी पिछली बार भी, इसको रद्द करके फिर से निकाला गया। इसको कैसे भरना है वो भी बताऊंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आने देगी, कोई भी पैसे खर्चे नहीं होने दूंगा मैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप भरना भी देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इसी वीडियो में बनाऊं, नहीं तो नेक्स्ट कर दूंगा। तो गाइस, आवश्यक सूचना 2 दिनांक 6/6/2023 को इशू किया। तो विज्ञापन संख्या है कुछ, डिप्लोमा स्तर पर प्रतियोगिता शुरू की गई है, यानी परीक्षा जो ले जाएगी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है 7 से स्टार्ट हो जाएगी, 7 जून से आमंत्रित किया जाना निर्धारित है। उक्त के क्रम में कार्मिक प्रसारित सुधार में राज्यसभा राज्य इतना 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 5/6/2023 द्वारा भूत विभाग के अधीन खान निदेशालय के अंतर्गत खान निरीक्षक के कुल पद जो है गाइस, ये इम्पोर्टेंट है, 32 है, 32 सीटें हैं माइंस इंस्पेक्टर के। और सीधी नियुक्ति में कुल 2 बैकलॉग भी है, कितने हैं, 2 बैकलॉग है, यानी 34 टोटल हो जाते हैं, यानी 34 जो CBSE के बंदे हैं, समझ ले 34। हो गए हैं, ठीक है। खानी चक्र पद के रिक्तियों के विज्ञापन संख्या फिर से दिया गया, झारखंड किया जा रहा, उक्त पद के रिक्तियां निम्नलिखित है। चलिए कुछ चार्ट दिए हुए उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कर्म संख्या दिया हुआ है, तो सीट जो है सिर्फ खान निरीक्षक के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइंस इंस्पेक्टर। सेकंड नंबर में पद नाम है माइन इंस्पेक्टर, आरक्षण कोटि देखिए यहाँ पर जनरल SC ST OBC 1 OBC 2 और EWS। तो जनरल जो है 13 सीट आपके लिए है, महिला एक अलग से सीट है, एक महिला को भी दिया गया है। खेल कूद वालों के लिए एक सीट है, अंधापन के लिए भी एक है, कम दृष्टि वाले, बहरापन जो होंगे 0 है, बहरा के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो खेल कूद कोटा एक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ SC ST की क्या बात है। SC ST 9 और 4 दोनों मिला के 13 ही होते हैं टोटल जनरल का 13, तो ये सब जनरल में भी आ जाते हैं, कट ऑफ पार करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो वही है, 13 तेरह 26 हो जाएगा। इन जनरल के लिए सिर्फ 13 है, EWS के लिए 3 है और OBC 1 के लिए 3 है, OBC 2 के लिए एकदम सीट नहीं है ना। तो कुछ इस तरह का सीट दिया गया है, टोटल 32 और बैकलॉग महिला 2, बैकलॉग का 2, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग है। अब देखते हैं बैकलॉग वाला को दिया गया है, 2 बैकलॉग है, देखिए बैकलॉग दोनों SC ST को दिया गया है बैकलॉग वाला। बात करते हैं पे स्केल की, तो पे स्केल बहुत ही बढ़िया, 35,400 लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा आपको, और ये बढ़ते बढ़ते इतना तक लास्ट जाएगा 1,12,400 तक। पे स्केल यहाँ से स्टार्टिंग है, या उसके बाद DA TA शायद जुड़े, 35,400 कंफर्म है। और यहाँ पर न्यूनतम एजुकेशन की बात की जाए तो देख लेते क्या लिखा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के लिए भारतीय जनता SIT द्वारा मान्यता खनन अभी, यानी डिप्लोमा मिनिमम है माइनिंग डिपार्टमेंट से भी, ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट के लिए फिलहाल तो कोई न्यूज नहीं है, लेकिन माइनिंग के जो है मेरे दोस्त आप लोग भरिए।
न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि, तो न्यूनतम जो है गणना के लिए दिया गया है कोई तिथि 1/8/2023 है, और अधिकतम उम्र सीमा के लिए 2019 दिया गया है। इसको सीधा भाषा में कुछ ज्यादा डिस्क्राइब किया नहीं, बस इतना जान लीजिए कि जनरल 35 शायद भर सकते हैं, 30 तो रहता ही है, 35 भी हो सकता है गाइस, ये आधा अधूरा लिखा हुआ है एज लिमिट, ठीक है, फिर भी मान लेते 30 होगा जनरल, ओबीसी 33 और एस सी एस टी 35, ठीक है। परीक्षा में सभी प्रश्न, अब चलिए परीक्षा के बारे में कुछ बात कर रहे थे कैसे एग्जाम ले। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकरणीय उत्तीर्ण, यानी कि एमसीक्यू होंगे, एक प्रश्न का अंक पूर्ण अंक 3 होगा, यानी एक प्रश्न जो पूछा जाए उसका जो मार्क्स मिलेंगे 3 मार्क्स, सही उत्तर दिया तो 3 जाएंगे और गलत उत्तर दिया तो 1 काट लेंगे, ठीक है। तो 3 गो क्वेश्चन का आंसर सही दिए और 1 गलत दिए, तो 9, और 9 में से 1 गलत हो गया तो 8, इस तरह के अंक मिलेंगे और कटेंगे। मुख्य परीक्षा के 2 पात्र होंगे, तो परीक्षा 2 पार्ट्स में ली जाएगी। प्रथम पाली में क्या बोलती है, प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, तो 2 घंटा का एग्जाम होगी। और पहला पत्र में सामान्य अभियांत्रिकी लिखा हुआ, इसका मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल सभी से पूछेगा, ये मैकेनिकल से भी, और जनरल नॉलेज की ज्ञान होनी चाहिए, तो 80 नंबर के हैं आपके, सभी डिपार्टमेंट से पूछे जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों सिलेबस देता है, जब माइनिंग के लिए निकाला तो माइनिंग के लिए देना चाहिए। तो जनरल इंजीनियरिंग दिया हुआ है और जनरल नॉलेज, तो 80 और 40 120 नंबर के टोटल है। उक्त पत्र का पाठ्यक्रम विज्ञापन संख्या झारखंड डिप्लोमा स्तर के 2023 द्वारा संसूचित है, चलिए ठीक है। विषय खनन अभियंता, कुल मार्क्स 120। अब बात करते हैं दूसरा पत्र की, तो 120 मार्क्स की होगी, और जो होगी वो माइनिंग इंजीनियर का जो डिप्लोमा में आप लोग पढ़ाई किए हैं वही सिलेबस है, उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, देख लीजिए, बहुत इजी सिलेबस है, मेरे ख्याल से डिप्लोमा में नोट्स बनाए होंगे तो आज काम आएगा, और नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जनरल जियोलॉजी, जियोलॉजी का टर्म उठाया गया, स्कोप ऑफ जियोलॉजी, ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो काफ़ी ईजी है ये सब, रिवर विंडो ये सब हो जाता है, पैलिंटोलॉजी भी हो जाता है, फॉसिल्स के बारे में जानना रहता है पैलिंटोलॉजी में, स्टर्टियोग्राफी, टाइम स्केल वगैरह फिर है इसमें, मिनरोलॉजी, यानी टोटल यहाँ देखा जाए तो जूलॉजी अभी चल रहा है। जूलॉजी का एक बुक उठा लीजिए, केम बांगर का, काफ़ी अच्छा बुक रहता है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पेट्रोलॉजी, कोल जूलॉजी, यहाँ तक जियोलॉजी है, जियोलॉजी, जूलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी, माइन इकोनॉमिक्स, चलिए यहाँ तक आपका जूलॉजी हो जाता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऊपर में जो जियोलॉजी का बुक से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी, EMT का भी बुक अगर है आपके पास तो उससे पढ़ सकते हैं, अगला सिलेबस यही है माइनिंग टेक्नोलॉजी, तो उससे पढ़ सकते हैं, एक्सप्लोसिव्स है, डिफिनेशन है, ड्रिलिंग पैटर्न, शॉर्ट फायरिंग, तो ये काफ़ी इजी होगा, आप लोग गवर्नमेंट का तैयारी तो कर रहे हैं ये सब तो कर सकते हैं। इंजीनियरिंग जियोलॉजी, डैम साइट, थोड़ा मोड़ा इस सबको भी देख लेना, सिलेबस कुछ खास नहीं, अगर पढ़िएगा तो 3 महीना में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग बहुत इजी है, सभी लोग पढ़ ही रहे हैं। माइंड सर्वेइंग थोड़ा सा कम पढ़ते हैं लोग, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, माइंड सर्वेइंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा, ये है सिलेबस। अब माइन इन्वायरमेंट, ये भी थोड़ा इजी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर, वाइंडिंग इन शाफ्ट, माइन पंप सब तो पढ़े हैं, माइंड मैजिस्ट्रेट लेजिस्लेशन, माइंड सेक्ट, माइंड रूल, कोल माइन रेगुलेशन, चलिए बहुत बढ़िया, ये सब तो सब पढ़ेंगे। तो माइनिंग का सेकेंड जो डिपार्टमेंट का एग्जाम होगा काफ़ी ईजी होगा, लेकिन फर्स्ट निकालना थोड़ा ईजी नहीं है, बट सभी के लिए डिफिकल्ट है, सिर्फ आप ही के लिए तो नहीं होगा ना, चलिए तो तैयारी कीजिए और क्या, लग जाइए माइन इंस्पेक्टर बनिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके गाइस, कैसा लगा वीडियो लाइक जरूर कर देना यार, और सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे ही न्यूज़ चाहते हो कि नया नया वैकेंसी अपडेट करें तो सब्सक्राइब भी कर लियो, चलिए मिलते हैं तब तो।